Assalamu alaikum, Solangi sahab. Welcome to new series. Hum ab aapke saath jo hai mustaqil Zoom par rahenge. TV pe to aapko jo hai wahan par to aapko mana kar diya gaya hai aane se. Aur main bhi abhi Pakistan to travel nahi kar sakta. Aur yahan baitha main roz khabrein hi padh raha hu. Aur yahan main America mein bhi bahut zyada ye waba phaili hui hai. Aur hum log bade pareshan hain. लेकिन ज्यादा मुझे परेशानी पाकिस्तान में जो खबरें देखकर होती है, क्योंकि एक तो मेरे वालदैन हैं वहां पर, दोस्त हैं, बाप हैं, और जो हुकूमत की पॉलिसी जो है कोरोना वायरस के हवाले से, इस वबा की रोकथाम के हवाले से, उसमें भी मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं दिखाई दे रही. तो मैंने कहा कि आप तो चूंकि मौजूद हैं, बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, तो आपसे बात की जाए कि आपको क्या लगता है कि ये इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत जो है, इनकी डायरेक्शन जो है, कोई है कोरोना वायरस की रोकथाम के सिलसिले में कोई ठोस इकदाम उठाने के लिए, कोई क्लियर वाजे पॉलिसी की तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये हुकूमत बढ़ रही है? जी, अभी तक तो जो सूरत हाल है वो ऐसे ही है कि इनकी कोई सिम्त नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, और इनकी जो पॉलिसी है वो बस डंग टपाओ एक पॉलिसी है रोज़मर्रा की. क्योंकि आपने देखा कि जिस तरीके से वक्त गुजर रहा है और तेज़ी के साथ, अब जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तकरीबन 11,000 मुसद्दिका केसेस आ गए हैं और 230 के करीब जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो कंफर्म जो हलाकतें हैं वो हो चुकी हैं. लेकिन आज भी जब इमरान खान साहब एंकर्स के क्लब के साथ गुफ्तगू में थे, तो आज भी वो जो उनकी गुफ्तगू थी वो एक तरफ वो लॉकडाउन की मुखालफत में बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे कि जी वो पता नहीं ये कब तक चलेगा, और वो उस गरीब के गम में घुले जा रहे थे जिस के सिलसिले में अभी तक कोई वाज़े मंसूबा उनका नहीं है, मास्वाय चंदा इकट्ठा करने के. तो चंदे के ऊपर तो बड़ी उनकी, देखिए वो तो खुद कहते हैं कि वो माहिर हैं चंदा इकट्ठा करने के. और मुझे तो ये मुझे तो जो इत्तला मिली थी कि जब वो वजीर आजम भी बने तो बहुत सारे हमारे मुक्तदर हलकों में ऐसे लोग थे, उनका ये ख्याल था कि ये आएंगे और डॉलरों की बारिश हो जाएगी और पाकिस्तान के जो कर्ज हैं वो सारे उनकी अदायगी हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान की सहरंगेज शख्सियत जो है वो हर पाकिस्तानी जो बाहर बैठा है मुल्क से और जो पाकिस्तान के अंदर है वो दिल खोल कर मदद करेगा और लीजिए अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह मसला ही हल हो जाएगा. लेकिन हम ये जानते हैं कि ये चंदों से ये मसला हल होने वाला नहीं है, ये पॉलिसी ही नाकिस है. लेकिन सुलंगी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लॉकडाउन की मुखालिफत, ठीक है वो गरीबों की बात एक हद तक, उनकी बात इमरान खान की मैं एक हद तक तायद करता हूँ, ये सच है कि बेचारे डेली वेज वर्कर्स मारे जाएंगे, लेकिन ये लॉकडाउन को उन्होंने एक सियासी नाक का मसला भी बना दिया. अभी आपने सिंध का जिक्र किया कि अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें भी सोलंकी साहब उन्होंने सिंध के वो के लॉकडाउन की मुखालफत की. उन्होंने कहा कि अपने में यकीन नहीं था, सेल्फ बिलीफ नहीं था, तो इस वजह से कराची में उन्होंने बड़ी जल्दी से लॉकडाउन कर दिया. तो ये आपके ख्याल से एक मुल्क के कौमी लीडर, वजीर आजम जो कि हर पाकिस्तानी का वजीर आजम है, उनको ये जेब देता है कि वो एक सियासी इसको इशू बना लें लॉकडाउन के मसले को? देखें, लॉकडाउन को पहले तो ये कंफ्यूज करते रहे कर्फ्यू के साथ. आपको याद होगा कि जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था, या सिर्फ सिंध में जुज़वी लॉकडाउन हुआ था जब तक, तब तक वो इसकी मुखालफत इस हवाले से करते रहे कि ये तो कर्फ्यू है और हम कर्फ्यू नहीं लगा सकते. लेकिन फिर जब सिंध में लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद फिर पंजाब में भी लॉकडाउन हो गया, फिर बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन हो गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी हो गया, फिर वाहिद जो 20 किलोमीटर वाला शहर है जहाँ पर उनकी हुकूमत है, इस्लामाबाद, वहाँ पर भी हो गया. तो अगर लॉकडाउन इतना बुरा था तो सिंध ने तो ये काफराना कदम उठाया ही, तो आपकी जो बाकी हुकूमतें थी उन्होंने ये क्यों उठाया अगर ये इतना बुरा है लॉकडाउन? फिर आप ये देखें कि ताजरों को उकसा रही है पीटीआई सिंध के अंदर,
लेकिन कल और आज पिशावर में जिन दुकानदारों ने दुकान खोलने की कोशिश की है वहां पर पुलिस ने फायरिंग की है। Amazing. तो सिंध के अंदर तो ताजरों ने खुद ब खुद वो पुलिस की गाड़ियों में आकर बैठ गए, उनका कहना ये था पुलिस का, वहां पर गोली नहीं चली। पिशावर में तो गोली चलाई है पुलिस ने, हवाई फायरिंग हो जो कुछ भी हो। तो वो दुकानदारों के खिलाफ जो कदम जो कराची में उठाया जा रहा है वो तो गलत है, उसके लिए गवर्नर साहब ट्वीटें करते हैं, शहबाज गिल और फिरदौस आशिक अवान साहब साहिबा भाषण देती हैं। तो पिशावर में गोली चलाना जो है वो किस तरह से दुरुस्त हो गया, तो ये इनकी जो पॉलिसी है उसकी वजाहत वो खुद ही कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। लेकिन जो बात वाज़े है वो ये है कि कोई डायरेक्शन नहीं है। ये दुरुस्त है कि गुर्बत जो है वो इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा है, और वो गुर्बत कोरोना के आने से पहले शुरू हो गई थी जो मुआशी पॉलिसियां थी उसकी वजह से। लेकिन गुर्बत खत्म होगी जो अमीर और गरीब का जो निज़ाम आपने बनाया हुआ है उसको ख़त्म करने से। वो जिस तरीके का तबकाती निज़ाम आपने इस मुल्क में बनाया है उसको ख़त्म करने से गुर्बत ख़त्म होगी। चंदा कटा करने से तो गुर्बत नहीं ख़त्म होने वाली। अभी आपने जो कंस्ट्रक्शन कम जो टाइकून्स हैं उनको जो रियायत दी है, जो चीनी और आटे वालों को जो रियायतें दी हैं अभी, और जो जो टैक्सों में जो छूट दे रहे हैं, तो वो तो कोई गुर्बत ख़त्म करने वाला प्रोग्राम है नहीं। ये आपकी बात जो है ना टाइकून्स वाली जो आपने बात कही है, असल बात ये है कि ये सारा खेल वाजे हो गया है कि इस हुकूमत का, वैसे तो हर हुकूमत का यही होता है लेकिन इस हुकूमत का खास तौर पर बड़ा गहरा गठजोड़ है बिलियनर्स के साथ, पार्टी के अंदर और जो बाहर भी है, क्योंकि इसको इसको सपोर्ट और बैसाखियों की जरूरत है, कमजोर हुकूमत है। लेकिन सोलंकी साहब, मैं ये पॉलिसी डायरेक्शन जो है हम बात कर रहे हैं, मैं इसी में आपको इजाफा ये करूंगा कि देखें, अब ये आपने बात की कि लॉकडाउन बाकी सूबों में भी हुआ, उसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसका एक बड़ा वाज़े जो है मौकफ सामने आया जब DGISPR ने ये ऐलान कर दिया वज़ीर आज़म की मुखालफत के बावजूद कि वो सूबों की मदद करके आइन के तहत उनकी मदद करके लॉकडाउन करेंगे। तो उससे आर्मी की पॉलिसी जो है उन्होंने ऐसी कही तो नहीं, लेकिन जो उनके इकदामात हैं उससे वाज़े हो गया कि वो वजीर आजम की एंटी लॉकडाउन जो अप्रोच है उससे वो डिफरेंट है, और माहिरीन की भी बात फर्क है। तो इससे ना जिस तरह, तो मुझे आप ये बताएं कि अगर ये जो इस्टेब्लिशमेंट का ये जो है अप्रोच या उनकी जो थिंकिंग है वो आपको ये लगता है कि वो इमरान खान साहब को जरा ताकीद करेंगे कि यार कुछ करो और सही सिमत में लेके जाओ, नहीं तो फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। जो बड़ी अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि गवर्नमेंट की चेंज, नेशनल गवर्नमेंट, तो आपको क्या लगता है इस पूरी तनाजुर में? देखें, अगर इमरान खान ने कोरोना का सही तरह से मुकाबला करना होता और उन्होंने कोई सिविल हुकूमत की तरफ से कोई ऐसे इंतजामी ढांचे बनाने होते, तो जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बना है जिसमें एक सर्विंग 3-स्टार जनरल जो है वो उसके कोऑर्डिनेटर हैं, ये सारा जो सेटअप है वो फिर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और फिर अमलन उसकी जो सिविलियन इंटरफेस है वो असद उमर हैं, वो इमरान खान नहीं है। सही। तो अगर इन्होंने अपनी तरफ से ये कुछ करना होता और खुद उस पर मुक्तदर हलकों का इत्मीनान होता तो फिर ये एक सेटअप जो है वो नहीं बनता। बिल्कुल। सेटअप की मौजूदगी खुद इस बात का सबूत है कि ये जो मामला है वो सिविल हुकूमत के चलाने की जो इस्तेदात है वो नहीं थी। तो ये बात तो बहुत वाज़े है, जो जो फ़ायदा है इमरान खान को हासिल हुआ है शहबाज शरीफ की मौजूदगी के बावजूद, वो फ़ायदा ये है कि हिज़्बे इख्तलाफ जो है वो इस वक्त किसी किस्म की सियासी तब्दीली का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। अब जबकि 600 दिन से ज़्यादा हो गए हैं इमरान सरकार को
और ये नजर आ रहा है खुद वर्ल्ड बैंक की IMF की जो प्रोजेक्शंस हैं, माहरी ने मुआशात की जो प्रोजेक्शंस हैं कि अब जो आपकी GDP है शरह नमू वो -2% पे जाएगी। राइट। जब डॉक्टर हफीज शेख हफीज पाशा जैसे लोग कह रहे हैं कि तकरीबन आपकी 50% आबादी खते गुर्बत के नीचे होगी अगर ये हालात है, तो हिजबे इख्तलाफ तो अभी किसी सियासी तब्दीली का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, और यही एक तरह से अच्छी खबर है इमरान खान के लिए। लेकिन जिस तरीके के हालात जा रहे हैं और जिस तरीके की मिस गवर्नेंस है, जिस तरीके से ये बहरान यके बाद दीगरे सामने आ रहे हैं, कभी आटे चीनी का कभी दूसरा स्कैंडल, तो ये हुकूमत का जो इस्तेहकाम है वो तो आपको किसी तौर पे भी नजर नहीं आता। सही सही। तो फिर आप भी ये इशारा जो कर रहे हो, अगर मैं आपकी बात को इंटरप्रेट करूं, तो आपका ये कहना है कि हिजबे इख्तलाफ जो है वो इस तैयार नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन कोई नहीं है, लेकिन उसके साथ मसला ये है कि हुकूमत की लैक ऑफ डायरेक्शन जो है, और खुसूसन इतनी बड़ी क्राइसिस में जो है वो तब्दीली भी एक तरह से नागुजीर बन जाती है। तो चलिए देखिए, मैं तो जाती तौर पे समझता हूँ, मेरा ये व्यू है कि इमरान खान साहब को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में एक रविश बन गई है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको हिलाने जुलाने की कोशिश की जाती है, इस बार मजे की बात है, ना अददिया वो कोशिश कर रही है, ना फौज वो कोशिश कर रही है, ना अपोजिशन वो कोशिश कर रही है, हुकूमत खुद ही अपने आप को हिलाने की कोशिश में मसरूफ है और बरसर पेकार है। तो सोलंकी साहब, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछूंगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि ये PMLN के अंदर देखें ना, इस वक्त जो मामला है ना कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वो हैं तो भाई, बड़ा एक दूसरे का साथ देने की कस्में भी वो हर वक्त खाते रहते हैं, पार्टी भी यकीन कराती है, लेकिन सच्ची बात यह है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि उनकी अप्रोचेस में फर्क है। और एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त उनकी अपनी पार्टी की क्रेडिबिलिटी का, वो ये कि उनका कोई मुत्तफिका लाया अमल नहीं। अगर इमरान खान साहब के मसाइल का तो हमने लिस्ट कर लिया, तो भाई इनकी क्या पॉलिसी है? या तो आप अपोजिशन का रोल अदा करें, या फिर बिल्कुल हिज हर मैजिस्ट्रीज लॉयल अपोजिशन बन जाएं। यहाँ पे हर नहीं होगा, यहाँ पे हिज मैजिस्ट्री होता है, लेकिन बहरहाल आप तो इनको PMLN ने भी तो अपनी साख खराब कर रही है ना। जी आप सही कह रहे हैं। बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब आने के बाद जो उनकी सरगर्मियां हैं, जो उनकी गुफ्तो शुनीद है, जो सुहेल वड़ाइज के साथ जो उन्होंने बातचीत की है, तो उसमें उनकी जो सोच है और नवाज शरीफ साहब की जो सोच है उसमें जो फर्क है वो तो आपको साफ नजर आता है। और जो उनकी उनका ये कहना कि जी ये जो कुछ भी हमने तौसी की और जो कुछ किया ये हमने बड़ा अच्छा कदम उठाया, तो वो जाहिर करता है कि जो उनके कारोबारी मफादात हैं, जो उनके खानदान के मफादात हैं शहबाज शरीफ साहब के, वो इसकी इजाज़त नहीं देते कि वो किसी तौर पे भी मुक्तदर हलकों के खिलाफ किसी किस्म की कोई मनफी सियासत करे। Right. तो वो उनको इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन साथ ही वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ कोई कदम भी नहीं उठाना चाहते, क्योंकि अगर 2 साल गुजर गए हैं इस हुकूमत को और अगर इसने नीचे ही जाना है तो उसका वो बोझ क्यों उठाए। Right. तो वो इंतजार कर रहे हैं कि जब भी अगले इलेक्शन हो, चाहे वो इमरान खान खुद कराएं, वक्त से पहले कराएं या वक्त पर हों, तो वो उसी का इंतजार कर रहे हैं। ये तमाम लोग एक तरह से इंतजार कर रहे हैं कि ये अपने जूसेस में खुद ही पक जाएं। बिल्कुल, ये उनको गिराने की कोशिश नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो सोलंकी साहब, आखिरी में मेरे ख्याल से अब हमें ये वक्त ज्यादा हो गया है, हम अपने नाजरीन को रखना चाहते हैं अपने चैनल के ऊपर, तो ये मैं आखिरी बात ही कहूंगा। देखिये, डॉक्टर्स ने सिंध में कहा कि आप खुदारा सीरियस हो जाएं हुकूमत को
और लोगों को ना बाहर भेजें और ना इनको एक्सपोज करें, तो उस पे बड़ी तनकीद की पीटीआई के तर्जुमानों ने। उन्होंने कहा कि ये तो सिंध हुकूमत सियासी खेल खेल रही है। लेकिन अब मैंने देखा है अभी खबरों में कि लाहौर में भी कुछ ऐसा कहा गया है डॉक्टर्स ने, जरा उसके बारे में तो बताएं कि आप क्या समझते हैं कि पंजाब के डॉक्टर्स भी सियासत कर रहे हैं। लाहौर में आज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जो अहदेदारान हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने वही बातें की जो कल कराची में पीएमए के जो अहदेदारान डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स, उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की ये जो पॉलिसी है जिसमें उन्होंने मजहबी उलमा को इसकी इजाज़त दी है कि तरावी और जुमे की नमाज और दूसरे जो मामलात हैं, और जिस तरीके से अवामी इज्तमात जो है उसमें जो उन्होंने छूट दी है, इसको हम संभाल नहीं सकते। तो सिंध में जो कुछ हुआ कल कराची में डॉक्टर्स ने, उस पे तो शहबाज गिल और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने तनकीद की कि ये सिंध हुकूमत सियासत कर रही है। लेकिन वही बातें आज लाहौर से सुनने को मिली। तो या तो मुराद अली शाह जो है वो एक दूर मार मिसाइल फेंक रहे हैं लाहौर में, और उनकी पहुंच जो है वो तमाम सिविल सोसाइटी तक है और सारी तमाम डॉक्टर्स जो है वो उनके कहने पे चल रहे हैं, या ये कि जो पीटीआई का जो कंफ्यूज बयानिया है उसकी कलाई खुल गई है। तो मामला ये है कि जो पीटीआई हुकूमत की जो एक तरह की मुतजाद जो पॉलिसी है कोरोना के हवाले से वो ज्यादा खुलकर सामने आ गई है, और उनका जो बयानिया है वो एक तरह से पिट गया है। बिल्कुल। तो सोलंकी साहब, मैं इसी पॉइंट पर आज की हमारी गुफ्तगू जो है उसका खत्म करता हूँ। अगली बार जो मैं आपसे बातचीत करूंगा वो मैं जरा तफसील में जाऊंगा कि ऐवाने इख्तदार जो है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, दो ऐवान हैं, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है। उस पर भी मुतजाद आरा और मुतजाद खबरें मिल रही हैं। जाहिर बात है कि उसके ऊपर हमें बड़ा फूक फूक के बात करनी पड़ती है, क्योंकि जो जमाना है आप गिनों को ठेस लग जाती है और कांच के टुकड़े जो हैं वो हवाओं के दोष पर भी होते हैं। तो जरा नाप तोल की बात करेंगे, लेकिन हम नाज़रीन को ये जरूर बात करना चाहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जरूरत है सियासी इस्तेकाम और कौमी वहदत की, एक नेशनल पॉलिसी की, नेशनल यूनिटी की। और मैं समझता हूँ कि उसमें तमाम इदारे जो हैं, चाहे वो फौज पाकिस्तान हो, सियासी कैरेक्टर्स हों, मीडिया हो, एक्सपर्ट्स हों, उनको एक मेज के ऊपर बात करनी चाहिए। और ये इसकी कमी है जो सोलंकी साहब ने अभी सारी हमें बातें बताई हैं, चाहे वो माहिरीन की राय को रद्द करना हो, या ठट्ठे मजाक वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी हो, या लैक ऑफ क्लैरिटी हो, तो ये अच्छी चीज नहीं है। और हम तो ये दुआ करते हैं कि अभी भी वक्त है कि, और कोई नहीं तो मौलाना तारिक जमील ही कुछ उनके लिए दुआ करें, हमारे वजीर आजम के लिए, कि वो सीधे रास्ते पर आए। तो सोलंकी साहब, इसके साथ ही आज के लिए खुदा हाफिज, बहुत शुक्रिया।